हम लोग ऑस्ट्रेलिया के बारे में, पहला कॉन्टिनेंट हमारा ऑस्ट्रेलिया, उसके बारे में देखने जा रहे हैं। पहला मतलब सबसे छोटा कॉन्टिनेंट एरिया वाइज, तो उसको देखने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। देखो करेंगे क्या हम लोग, जो भी देख रहा है साथ साथ में वो उसको क्या करना है, हाईलाइट करते हुए जाना है। वो लोकेशंस जो मैं बता रहा हूँ, जो काम की चीजें हैं पूछी जाती हैं, वो बस हाईलाइट करते जाना है। ऑस्ट्रेलिया वर्ड जो है, ये एक लैटिन वर्ड है, ऑस्ट्रेलिस से बना है। ऑस्ट्रेलिस का मतलब होता है साउथ, दक्षिण। तो ये बोला गया कि जो साउथ का कॉन्टिनेंट है दक्षिण का है, उसका नाम ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया नाम हो गया। और दो तीन नाम है आपको पता होने चाहिए कि 16 सेंचुरी में विलियम जॉन्स जॉन जॉन्स, देखो इनका इनका नाम लिखा जाता है जॉन्स जॉन, जॉनसन कहीं कहीं भी लिख देते हैं ऐसे प्रोनाउंसिएशन के लिए। तो विलियम जॉनसन ने फर्स्ट टाइम इस कॉन्टिनेंट को देखा, वो इसके पास से निकले, ठीक है। लेकिन इसको एक्सप्लोर नहीं किया इन्होंने, एक्सप्लोर मतलब इसमें गए नहीं, देखा नहीं कौन लोग रह रहे हैं यहाँ पर, क्या है, ये सब कुछ नहीं देखा। लेकिन फिर भी इनको क्रेडिट दिया जाता है, एम है ये विलियम। लेकिन उसके बाद में कैप्टन कुक, ये नाम सबने सुना भी होगा और खूब नाम पूछा भी जाता है कैप्टन कुक, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को एक्सप्लोर किया, इनको इनको क्रेडिट दिया जाता है, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को खोजा, ठीक है। तो ये दो नाम तो पता होने चाहिए पहले ही, ऑस्ट्रेलिया पढ़ने से पहले। हम लोग क्या करेंगे, हर कॉन्टिनेंट में देखो सब, ये हमारे पढ़ने का तरीका हम लोगों का होगा। हर कॉन्टिनेंट में हम लोग क्या करेंगे, पहले हम उसकी बाउंड्री बाउंड्री पे घूमेंगे, पूरा फुल बाउंड्री, ठीक है। जब भी कभी मैप पढ़ेंगे तो पहले उसकी बाउंड्रीज देखेंगे कि बाउंड्री पर क्या क्या है, फिर उस कंट्री या उस कॉन्टिनेंट के अंदर देखेंगे हम कि कौन सी चीज है, ठीक है। तो ऐसे ही हम सब में फॉलो करेंगे तो आदत बन जाएगी कैसे पढ़ना है। ऐसा नहीं कि ऑस्ट्रेलिया ओपन किया और सीधे देखने लगे यहाँ पर बीच में क्या लिखा हुआ है, ना। हम बाउंड्री से स्टार्ट करेंगे, क्या क्या है बाउंड्री पर, पहले बाउंड्री कवर कर लेंगे फिर उसके अंदर देखेंगे। तो एक सिस्टमेटिक व्यू से हर कॉन्टिनेंट ऐसे ही पढ़ लेंगे हम लोग। शुरू करते हैं हम लोग, देखो यहाँ पर तीन चार मैप है ऑस्ट्रेलिया के इसमें स्लाइड में, तो हम लोग सबको देखेंगे। कुछ चीजें इसमें है, कुछ चीजें उसमें है, जो इसमें छूट जाती है उसमें। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये पहली चीज आई है, ये मार्क करनी है हमें, गल्फ ऑफ कार्पेंट्रिया, कार्पेंट्रिया की खाड़ी, ठीक है। खाड़ी सबको पता है, एक बड़ी वाटर बॉडी, जैसे अपने भारत के साइड में बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल है। तो ऐसी कुछ फेमस बेज हैं, गल्फ हैं दुनिया में जो पूछी जाती है, आपको पता होनी चाहिए वो गल्फ कहाँ पर है। तो ये गल्फ ऑफ कार्पेंट्रिया हो गया। अगला आता है, आते हैं यहाँ पर अराफोरा सी। अराफोरा सी फिर से बहुत पूछा जाता है, ये सी एशिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है। इसके ऊपर आप जाओगे तो एशिया आ जाएगा, ठीक है। इस साइड में तिमोर पड़ता है, ये तिमोर सी भी है यहाँ पर, ये देखो ये ईस्ट तिमोर पड़ता है यहाँ पर, वो एशिया में आ जाता है। तो तिमोर सी और अराफोरा सी ये बोलते हैं, ये डिवाइडिंग लाइन बना देते हैं, यहाँ पर ऊपर एशिया है और यहाँ इधर ऑस्ट्रेलिया है। फिर से बहुत इंपॉर्टेंट नाम हो जाते हैं इसलिए, इसी के एशिया से ऑस्ट्रेलिया को अलग करने वाले। अराफोरा सी के ऊपर यहाँ पर पपिया पपुआ न्यू गिनी भी है, वो भी हम देखेंगे यहाँ पर। कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सा सागर है, कौन सा ओशन है, ठीक है। तो वो भी नाम लिख लेना है सबको, इस मैप में दिख नहीं रहा, अगले वाले में होगा। पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अराफोरा सी है, और यहाँ पर तिमोर सी है, तिमोर और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, और ये दोनों सी जो है एशिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करते हैं, इस तरफ आते हैं हम लोग घूम के। कोई चीज नहीं है यहाँ पर, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ समझना, और ये कॉन्सेप्ट हम ज्योग्राफी में फिर से, जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं डिटेल में पढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में ये जो पानी है, ये कोल्ड करंट एक है, इसका नाम है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा। पता है सबने, सब लोग जो जिसने जो ज्योग्राफी पढ़ता है सबने सुना होगा, एक हॉट करंट या वार्म करंट एंड कोल्ड करंट का कॉन्सेप्ट होता है, गर्म जल धारा ठंडी जल धारा। और कुछ बहुत फेमस करंट हैं दुनिया में, उनमें से एक ये भी है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा। आपसे पूछ लिया जाएगा कैसी करंट है, तो याद रखना है कोल्ड करंट है, ठंडी जल धारा है। और एक लाइन आपको समझनी है कि जहां जहां पर भी कोल्ड करंट होगी, ठंडी जल धारा होगी, वो अपने इमीडिएट पास पास में जो भी लैंड पड़ेगी वहां पर वो एक डेजर्ट बनाएंगी, रेगिस्तान बनाएंगी। कोल्ड करंट डेजर्ट, ये एक बॉक्स में लिख के आप बंद कर देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल के, कि
कि जो डेजर्ट्स हैं वो दुनिया के जो बहुत फेमस डेजर्ट्स हैं वो कोल्ड करंट के द्वारा बने, ठंडी जलधाराओं के द्वारा बनाए गए। ठीक है, लॉजिक इसका बड़ा आसान है समझना कि देखो होता क्या है कि यहीं पे मैं बता देता हूं, याद भी रहेगा उस चीज को कि अगर ये समुद्र है, इधर पानी है, ये ऑस्ट्रेलिया यहां से स्टार्ट है, तो यहां से हवाएं इधर की तरफ चलती हैं, पानी अपनी नमी लेके आती है, बारिश खूब करती है। नॉर्मल टाइम में ऐसे ही होगा, लेकिन जहां पर ठंडी जलधारा होगी वहां पर जो हवाएं इधर से इधर की तरफ भागेंगी लैंड की तरफ, उन हवाओं के पास में बहुत ज्यादा नमी हो जाती है। बहुत ज्यादा नमी मतलब बहुत ज्यादा पानी आप समझो, और इतना पानी कि उनकी कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा हो जाता है। कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं जल धारण करने की क्षमता, उतना पानी लेके चल नहीं पाती वो, इसलिए वो कोस्ट तक पहुंचने से पहले ही बारिश कर देती, पूरी बारिश यही हो जाती है समुद्र में। और जब ये कोस्ट तक पहुंचती हैं इसके बाद इनके पास पानी नहीं बचता, ऐसे निकल के चल चली जाती है, और ये हजारों लाखों साल से ये चल रहा है। इस वजह से ऑस्ट्रेलिया का ये पूरा हिस्सा इधर से ये सब डेजर्ट है। वो पता है ऑस्ट्रेलिया, 2/3 ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं इधर वाला, ये क्या है, रेगिस्तान है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि 2/3 ऑस्ट्रेलिया एक डेजर्ट है, रेगिस्तान, और इसमें बहुत फेमस फेमस डेजर्ट्स हैं। तो ये कोल्ड करंट आपको याद रखना है, यहाँ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट। अच्छा आप देखो मैंने बताया है तो शायद, तो अगर बस वैसे आगे लिख लेंगे हम लोग, छोड़ो अभी, इधर से फिर घूम के आए हम लोग, को कोल्ड करंट हो गई थी यहाँ पर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। एक ग्रेट ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ये फिर से एक खाड़ी है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, नाम में ये ऑस्ट्रेलिया लगा है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इधर आ गए हम लोग यहाँ पर, यहाँ पर ये है बास स्ट्रेट, बहुत पूछी जाती फिर से, बहुत इंपॉर्टेंट, और ये फेमस भी बहुत है बास स्ट्रेट। देखो आप बास की खाड़ी, ये ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से, तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया का एक प्रोविंस है, एक राज्य है। ठीक है, ये बास स्ट्रेट ऑस्ट्रेलिया मेनलैंड को तस्मानिया से अलग करती है, बहुत पूछी जाती है, बहुत फेमस स्ट्रेट है क्योंकि एक फेमस आइलैंड तस्मानिया को अलग करती है। एक नाम और मुझे यहाँ पे याद आ गया, एक अबिल जॉनसन तस्मान थे, अबिल जॉनसन तस्मान, उन्होंने तस्मानिया, न्यूजीलैंड, फिजी, इनको एक्सप्लोर करने का, इनको खोजने का क्रेडिट किसको दिया जाता है, अबिल जॉनसन तस्मान, उनका नाम लिख लेना, उन्हीं के नाम से तस्मानिया पड़ा। ठीक है, तो ये बास स्टेट ये करती है। इस तरफ हम फिर घूम के आए, बाउंड्री पे कुछ भी नहीं है इधर इधर, यहाँ पे आ गए। इस तरफ जब हम आएंगे तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के पास में एक फेमस टूरिस्ट प्लेस होता है, दुनिया का बहुत फेमस है, जिसको हम ग्रेट बैरियर रीफ बोलते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ लगभग 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा का कोरल फॉर्मेशन है। कोरल सबको पता है, हिंदी में प्रवाल लिखा होता है, कहीं में मूंगा लिखा होता है। सिंगल सेल मरीन एनिमल्स होते हैं जो जब डेड होते हैं तो ठोस चट्टान जैसे बनते चले जाते हैं, पिक्चरों में देखा होगा, लोग डाइविंग करते हैं नीचे समुद्र में जाते हैं, वो कलरफुल चीजें बहुत दिखती हैं, मतलब कोरल्स हैं, डेड होते हैं तो ठोस बन जाते हैं, बिल्कुल कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टाने। तो ये लगभग 2000 किलोमीटर की ग्रेट बैरियर रीफ है, और ये बहुत पूछा जाता है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है, किस देश में है, कितनी है, कैसी है। बहुत फेमस टूरिस्ट प्लेस है ऑस्ट्रेलिया का, ये इस तरफ। ठीक है, कोरल फॉर्मेशन हमने देख लिया कि दुनिया का सबसे बड़ा कोरल फॉर्मेशन ये है ग्रेट बैरियर रीफ। तो ये ऑस्ट्रेलिया की बाउंड्री पे हमने चार पांच चीजें देखी अभी बस, कि बाउंड्री पे कौन कौन सी चीजें हैं काम की चीजें। इसके बाद हम लोग ऑस्ट्रेलिया के अब अंदर जाएंगे, अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में देखेंगे। चलो ये वाला मैप भी है, इसमें भी लगभग चीजें हम कवर ही कर चुके हैं बाउंड्री वाली। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर का देखते हैं हम लोग। ये ग्रेट बैरियर रीफ जो मैंने अभी बताई थी, ये यहाँ पर ऐसे बनी ग्रेट बैरियर रीफ। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर फिर से, पहली चीज जो जो अभी मैंने बताई थी ना, यहाँ पर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा, जो एक कोल्ड करंट है, ठंडी जल धारा है, देखना ये कुछ बहुत फेमस रेगिस्तान बनाती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कुछ डेजर्ट्स, और ये डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया के बहुत फेमस फेमस मतलब क्वेश्चन बहुत फेमस है, क्योंकि डेजर्ट्स के नाम बड़े अच्छे हैं, फेमस है। देखो ग्रेट सैंडी, ये मार्क करते जाना है जो जो मैं बोल रहा हूँ, ग्रेट सैंडी, ग्रेट गिप्शन, ग्रेट विक्टोरिया। ठीक है, ये तीन डेजर्ट हो गए। एक यहां पर आ गया सिम्पसन डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट। ये चार डेजर्ट्स जो हैं आपको मार्क करने हैं, ग्रेट सैंडी,
ग्रेट गिब्सन भी लिखा होता है, ग्रेट ग्रेट ही सब पे लगा होता है इनमें सब में, ग्रेट सैंडी, ग्रेट गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया और इस तरफ है सिम्पसन डेजर्ट। तो ये चार रेगिस्तान मार्क करने, मैंने पहले बता दिया कि 2/3 ऑस्ट्रेलिया क्या है, डेजर्ट है उस ठंडी जलधारा की वजह से, कोल्ड करंट की वजह से। ये हो गया। इसके बाद देखो यहां पर एक बहुत फेमस लेक है, ये लेक आयरी, लेक आयरी ये भी बहुत पूछी जाती है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे फेमस लेक है, बहुत बड़ी लेक है लेक आयरी, ठीक है, EYRE। ये हो गई हमारी। नेक्स्ट चीज ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखो, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में ये यहां पर एक माउंटेन रेंज है जिसको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नाम से जाना जाता है। ग्रेट डिवाइडिंग, ये कॉन्टिन्यूस रेंज नहीं, ब्रोकन रेंज है, लेकिन फिर भी पूछी जाती है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अच्छा अब कुछ जनरल चीजें इसके बारे में, ऑस्ट्रेलिया के बारे में, कि देखो ये तो मैंने बताई दिया कि ये वाला ऑस्ट्रेलिया देखो क्या हो गया, डेजर्ट हो गया, रेगिस्तान, इस तरफ वाला वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया रेगिस्तान है, तो यहां तो लोग रहेंगे नहीं, डेजर्ट में कैसे रह पाए लोग, तो मोस्टली पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया की ईस्ट साइड में ही रहती है, पूर्व की तरफ ही रहती है। वेस्ट में सिर्फ और सिर्फ एक फेमस सिटी है, पर्थ, जो क्रिकेट देखते हैं उनको पता भी होगा, पर्थ में बहुत मैच होते हैं, पर्थ बस फेमस है, बाकी की जितने भी फेमस सिटीज हैं वो सब इधर है, ईस्ट की तरफ है ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया ईस्ट में ही रहता क्योंकि यहां पर वाटर अवेलेबिलिटी है, डेजर्ट नहीं है, वाटर अवेलेबिलिटी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, यहां से कुछ रिवर्स निकलती हैं फेमस, तो वो पानी की कमी को पानी प्रोवाइड करती है, फ्रेश वाटर देती है, ठीक है। और इन ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलने वाली दो नदियां हैं, देखिए वो कहीं पे बनी होंगी अगले अगले उसमें मैं देख रहा हूँ, ये मैं इस मैप में देखते हैं, ये दो नदियां हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती, एक तो है मरे और दूसरी है डार्लिंग। ये मरे डार्लिंग का नेटवर्क है जो ईस्ट ऑस्ट्रेलिया को, ईस्ट मतलब पूर्वी ऑस्ट्रेलिया को पानी प्रोवाइड करता है, आप समझ लो गंगा यमुना का नेटवर्क जैसा है वैसा मान लो आप, मरे और डार्लिंग नदियों का नेटवर्क है, दोनों आपस में मिलती हैं आके और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलने वाली रिवर्स है, रिवर्स सिस्टम हो गया इनका, बस नाम याद रखना और कुछ भी नहीं याद रखना कि आप कौन सी नदियां हैं, किस डिवाइडिंग, किस माउंटेन रेंज से निकलती, ठीक। और नेक्स्ट अगला देखो, ऑस्ट्रेलिया में कुछ जो ऑस्ट्रेलिया के फेमस सिटीज हैं वो भी आपको मार्क करने, क्योंकि ये क्वेश्चन भी ऐसे वाले बहुत पूछे जाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के चार पांच सिटीज दे दिए और फिर बोला कि इनको ईस्ट से वेस्ट लगाओ आप या नॉर्थ से साउथ लगाओ आप, अरेंज करो नॉर्थ टू साउथ। तो ये ब्रिस्बेन है, सिडनी सबसे बड़ा सिटी है ऑस्ट्रेलिया का, कैनबरा है, कैपिटल है इसकी पता ही होगा, और यहां पर ये है मेलबर्न, और ऊपर ये एडिलेड है, और उधर पर्थ हो गया, यही बस सिक्स सिटीज हैं जो फेमस सिटीज हैं ऑस्ट्रेलिया के, ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबरा, कैनबरा कैपिटल हो गई, मेलबर्न, एडिलेड और पर्थ, मोस्टली सभी क्रिकेट की वजह से फेमस ही हैं सब सिटीज इनके ऑस्ट्रेलिया के, क्योंकि नेशनल गेम ऑस्ट्रेलिया का क्या है, क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया में एक जो ऑस्ट्रेलिया के बारे में बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के जो लोकल इनहेबिटेंट हैं, जो रहने वाले लोग हैं, वो अफ्रीका से कभी गया, बाद में जब यूरोपियन लोग पहुंचने लगे तो उन्होंने उसको सेटल कर वो कर लिया, वहां बसने लगे। वहां पर एक जो ओरिजिनल जनजाति, देखो ये भी क्वेश्चंस हर एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं कि लोकल ट्राइब्स किसी कंट्री की, किसी कॉन्टिनेंट की जो ओरिजिनल ट्राइब है, जनजाति है जो वहां रहती है, तो ऑस्ट्रेलिया में एबोरिजन करके एक जनजाति पाई जाती है, एबोरिजन, एबोरिजन करके जनजाति ट्राइब पाई जाती है, जो ऑस्ट्रेलिया की ट्राइब है जनजाति, ठीक है, उसका भी नाम याद रखना है कि कहां पे कौन सी जनजाति है। तो ये हो गया ऑस्ट्रेलिया के, हमें बताया स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है ये, फ्लैटेस्ट कॉन्टिनेंट है, सबसे फ्लैट कॉन्टिनेंट, ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं फ्लैटेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, ठीक है, और तो कुछ नहीं है। हाँ एक पॉइंट और देखो, ये रह गया दिख गया, ये माउंट कोसिस्को है जो ऑस्ट्रेलिया की हाईएस्ट पीक है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसिस्को, नाम याद रखना है इसका, ये भी मार्क कर लेना है, हाईएस्ट पीक ऑफ ऑस्ट्रेलिया।
पॉलिटिकल चीजें हमें समझनी नहीं, क्योंकि ये मैप हम पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको याद रखना है तो ऑस्ट्रेलिया में 6 प्रोविंसेस है, 6 राज्य हैं टोटल, ठीक है। ये नाम देखो लिखे हुए, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया एक स्टेट्स हैं, तस्मानिया एक नीचे हो गया, एक इधर वाला हो गया वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, तो 6 स्टेट्स हो गए ऑस्ट्रेलिया के। लेकिन ये पॉलिटिकल चीजें हमें इसमें इस मैप में तो देखनी नहीं। अगला मैप देख लेते हैं, कोई चीज रहे ना इसमें। मरे डार्लिंग का नेटवर्क हो गया, लेक आयरी हो गई, गल्फ ऑफ कॉर्पेंट्रिया, ये वो इटरियनी, बास स्ट्रेट, कैनबरा, बस। चलिए ठीक है, तो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया हो गया। लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ में एक चीज हम लोग और देख लेते हैं, इसी में कवर कर लेते हैं। देखो कि बहुत से लोग हैं जो ऑस्ट्रेलिया को एक कॉन्टिनेंट नहीं मानते, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया एक आइलैंड है, पता है, चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ, तो इसको आइलैंड भी बोल सकते हैं। अगर एक तरीके से देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन है? ऑस्ट्रेलिया। लेकिन इसको जब आप कॉन्टिनेंट मान रहे हो, महाद्वीप मान रहे हो, तो आइलैंड फिर नहीं लिखते हैं इसको, ठीक है। अब अच्छा, ऑस्ट्रेलिया देखो, ऑस्ट्रेलिया के आसपास कितने सारे आइलैंड्स हैं, आप इसमें देखो, ये वो देखो, इस चीज को देखना है आपको। ये ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया के आसपास पैसिफिक में बहुत सारे आइलैंड्स हैं, तो इनका आप क्या करोगे, इनको किस कॉन्टिनेंट में रखा जाए? ऑस्ट्रेलिया तो कॉन्टिनेंट है, अकेले देश को बना दिया गया, ठीक है। कहीं कहीं पे क्वेश्चन भी बोल लेते हैं, अकेला कंट्री जो कॉन्टिनेंट भी है ना, तो ऑस्ट्रेलिया है। अब इनको कहाँ रखा जाए, इन सबको, आइलैंड्स को? तो कहीं कुछ लोग क्या मानते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट नहीं है, उसको ओसिनिया के नाम से कॉन्टिनेंट मानते हैं। ओसिनिया मतलब ओशियन में जो पैसिफिक ओशियन के जो आइलैंड्स हैं उनको एक कॉन्टिनेंट मानते हैं, या आप इसको एक भौगोलिक क्षेत्र मान सकते हो, कहीं कहीं पे लिखा होता है ज्योग्राफिकल रीजन ओसिनिया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी आ जाएगा और उसके आसपास वाले छोटे छोटे जितने भी आइलैंड्स हैं वो सब आ जाएंगे। तो कॉन्टिनेंट की जगह पर या तो आप कभी ऑस्ट्रेलिया देखोगे, कहीं कहीं पर ओसिनिया लिखा होगा, ऑस्ट्रेलिया लिखा ही नहीं होगा, ऑस्ट्रेलिया के आसपास वाले आइलैंड्स को कवर करने के लिए। कुछ आइलैंड्स हैं, एक मतलब एक एक दो दो पॉइंट उनके बारे में आपको पता होने चाहिए, बेसिक चीजें हैं। तो जल्दी जल्दी हम लोग इस ओसिनिया के बारे में भी देख लेते हैं, बात कर लेते हैं कि क्या है। देखो, ओसिनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑस्ट्रेलिया, जो हमने पढ़ा अभी, इसको कॉन्टिनेंट मान के, ठीक है। अब इसके बारे में और देखते हैं। देखो, ओसिनिया के 4 पार्ट, ये आपको याद रखने, कभी ये सिंपल क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है कि ओसिनिया में क्या क्या आता है। देखो, ओसिनिया में एक तो आ गया ये ऑस्ट्रेलिया, दूसरा आएगा एक ये रीजन है, ये वाला, ये जो ऐसा वाला रीजन ये दिख रहा है, देखो मैं कलर पता नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा उसमें, ये वाला, इसको मेलानेसिया बोलते हैं, मेलानेसिया। मेलानेसिया फिर से लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है ब्लैक लोगों का इन्वेजन, जहां पर वो ब्लैक लोग, काले लोग बसे हुए हैं ना, डार्क स्किन वाले, उनके नाम से ये मेलानेसिया आइलैंड्स हो गए। इसमें कई सारे कंट्रीज आते हैं, अभी देखेंगे हम लोग। ऊपर है ये माइक्रोनेशिया, इसके ऊपर, और ये वाला है जो ये पूरा ट्रायंगल बनता है, ये पॉलिनेशिया। तो ये 4 पार्ट हो गए, और इन 4 पार्ट के बनने से क्या बनता है? ओसिनिया बनता है। ओसिनिया के 4 पार्ट, माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया, पॉलिनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, या ऑस्ट्रेलसिया भी बोल देते हैं इसको कभी कभी, आपको पता होना चाहिए। सबके बारे में एक एक दो दो तीन तीन पॉइंट है, देख लेते हैं। देखो, तो माइक्रोनेशिया, माइक्रोनेशिया में मैं बस कंट्री मार्क कर देता हूँ, कभी कभी पूछ ले जा लिए जाते हैं, माइक्रोनेशिया, ठीक है। ये मार्शल आइलैंड एक द्वीप समूह है, मार्शल आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट द्वीप समूह है, बहुत फेमस टूरिस्ट प्लेस है। कोरल्स का फॉर्मेशन है, फिर से वही मूंगा जो सिवाल बोलते हैं ना। देखो, ये एक वर्ड मैं बता रहा हूँ, ये मार्शल आइलैंड अपने एटॉल्स के लिए फेमस है। कोरल एटॉल क्या होते हैं? देखो, अगर कहीं पर बीच में लेक है, ये लेक है जी, और लेक के चारों तरफ ये पानी ऐसे 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 आ गया, सॉरी लैंड आ गई, बीच में झील है और ये पानी जहां पर लोग रह रहे हैं, तो ये रिंग जैसा बन गया, बीच में लेक, इधर लोग रह रहे हैं, इसको एटॉल बोलते हैं। ये भी कोरल से बना हुआ है, इसको वर्ड को एटॉल बोला जाता है। माइक्रोनेशिया जो मार्शल आइलैंड्स हैं, ये अपने एटॉल्स के लिए फेमस है, बहुत फेमस टूरिस्ट प्लेस है, पूछ लिया जाता है कहाँ पर है, और तो इसमें कोई है नहीं माइक्रोनेशिया में। मेलेनेशिया में आते हैं, देखो मेलेनेशिया में बहुत फेमस फिजी आइलैंड, फिजी कंट्री है, पता है सबको, इंडियन ओरिजिन के बहुत से लोग रहते हैं फिजी में। फिजी लगभग 30% लोग भारतीय मूल के हैं यहाँ पर, यहाँ के तो जो प्रेसिडेंट वगैरह बनते हैं वो भी इंडियन नाम के होते हैं लगभग,
हिंदी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, ठीक है, भोजपुरी भी ऑफिशियल लैंग्वेज है फिजी की, पता होना चाहिए आपको फिजी के बारे में। और सोलोमन आइलैंड्स कभी कभी भी पूछ लिए जाते हैं। पपुआ न्यू गिनी बहुत फेमस कंट्री, ये पपुआ न्यू गिनी अपनी डाइवर्सिटी की वजह से जाना जाता है। कहते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा लिंग्विस्टिक भाषाई डाइवर्सिटी, विविधता, कल्चरल डाइवर्सिटी किस देश में है? पपुआ न्यू गिनी। मुझे भी लगता था इंडिया में सबसे ज्यादा लैंग्वेजेज होंगी, लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, दुनिया में सबसे ज्यादा लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी पपुआ न्यू गिनी में। ठीक है, तो पपुआ न्यू गिनी हो गया, मेलानेशिया के कंट्री हो गया। इधर वाले देखो आप, पॉलिनेशिया, पॉलिनेशिया में एक आपको ये मार्क करना है, टोंगा। टोंगा इसलिए क्योंकि लास्ट ईयर 2021 में यहाँ पर एक वॉल्केनो आया था और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, माउंट टोंगा वॉल्केनो बहुत फेमस ज्वालामुखी था जिसकी वजह से पूरे प्रशांत महासागर में एक बड़ी सुनामी जनरेट हो गई थी, क्रिएट हो गई थी 2021 में ही। अमेरिका को अपना पोस्ट खाली करवाना पड़ा, जापान ने भी अपने पोस्ट पे बहुत लोगों को खाली करवाया सेफ्टी के लिए, तो टोंगा इस वजह से फेमस है। ये देखो, ये नाम है आपके सबने सुना सुना होगा, तुवालु, न्यू, ये दुनिया के कुछ सबसे छोटे द्वीप कंट्रीज हैं। पता है दुनिया का सबसे छोटा कंट्री, स्मॉलेस्ट कंट्री, वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी के बाद ये आता है तुवालु। ऐसे फिर नाउरू आता है, ये सेकेंड नंबर पे, ये थर्ड, मतलब स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट वेटिकन, फिर ये। ऐसे पॉलिनेशिया में देखो, पॉलिनेशिया के बारे में दो तीन चीजें और, एक तो अमेरिका का जो हवाई आइलैंड है, हवाई द्वीप, ये पॉलिनेशिया का पार्ट है। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन फिर से बनता है, हवाई द्वीप को अगर यूएसए लिखा होता है तो ये कोई नहीं मानता कि और ये ओसिनिया में होगा, ये अमेरिका के कोस्ट के पास में है, लेकिन ये पैसिफिक का आइलैंड है इसलिए इस पॉलिनेशिया का पार्ट माना जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है अमेरिका जो कंट्री है वो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में आता है, जबकि हवाई आइलैंड अमेरिका का वो पॉलिनेशिया में या ओसिनिया कॉन्टिनेंट में आएगा, महाद्वीप में आएगा। ओसिनिया का ये बिल्कुल इधर सदर्न पोर्शन, ये न्यूजीलैंड है। इसके बारे में हम लोग अलग से भी, बस दो चार पांच फैक्ट इसके बारे में भी हैं, वो देख लेंगे आप। आपको ये चीज, ये लाइन भी याद रखनी है कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, मकर रेखा है, जिसको हिंदी में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मकर रेखा, जो 23 डिग्री एंड हाफ साउथ की रेखा है, दक्षिण, इक्वेटर ऊपर से जाएगा उसके नीचे साउथ की रेखा, ये ऑस्ट्रेलिया को बीच से लगभग डिवाइड करती है। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सी लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर या कैप्रिकॉन में से कौन सी लाइन ऑस्ट्रेलिया को कट करती है या ऑस्ट्रेलिया से होकर जाती है। हाँ, हमें अब न्यूजीलैंड के बारे में बस देखना है थोड़ा सा। ठीक है, ये आइलैंड्स हो गई, अभी मैंने बताई दिया सब इनके बारे में, ये है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं बस। देखो न्यूजीलैंड मैंने अभी बताया था, कैप्टन कुक जो है इनको क्रेडिट दिया जाता है कि न्यूजीलैंड, तस्मानिया और फिजी, इनको सबको एक्सप्लोर किया इन्होंने, की खोज की। ठीक है, इसी न्यूजीलैंड में दो आइलैंड है, ये याद देखो, पहले इंपॉर्टेंट याद रखना है, न्यूजीलैंड दो पार्ट में है, ये नॉर्थ आइलैंड है न्यूजीलैंड का, ये साउथ है, ये दक्षिण, ये नॉर्थ, ऊपर वाला नॉर्थ आइलैंड, नॉर्थ और साउथ आइलैंड में दो है, और दोनों को अलग करती है कुक की खाड़ी, कुक स्टेट, इसी के नाम से खाड़ी बनी है, कैप्टन कुक के नाम से, जिसने न्यूजीलैंड को खोजा। तो पहला तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया कि नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड को कौन सी खाड़ी अलग करती है न्यूजीलैंड, तो कुक स्टेट हो गई, कुक की खाड़ी। इसके बाद अब देखते हैं हम लोग, न्यूजीलैंड की कैपिटल जो है वेलिंगटन, ये है वेलिंगटन, ये नॉर्थ आइलैंड में है, फिर से एक अच्छा पॉइंट होता है, वेलिंगटन कहाँ पे है? नॉर्थ आइलैंड। ये सब चीजें सबको मार्क करते जाना है या हाईलाइट करते जाना है। ठीक है, इसमें हो गया। नॉर्थ आइलैंड में एक बड़ा फेमस है, इसका सिटी है ऑकलैंड, ऑकलैंड में भी मैच वगैरह होते रहते हैं। ये यहाँ पर एक फेमस बे है, बे ऑफ प्लेंटी, काफी कई बार पूछी भी गई है, बे ऑफ प्लेंटी, प्लेंटी खाड़ी कहाँ पर है? ठीक है, बे ऑफ प्लेंटी हो गई। अब आते हैं इधर साउथ में, उसमें हो गया, और बस कुछ भी नहीं है उधर पढ़ने वाला समझने वाला, कैपिटल बस सिटी पूछा जाता है, कैपिटल सिटी वेलिंगटन किस आइलैंड में, नॉर्थ में या साउथ में, स्टेटमेंट दे देंगे विलिंगटन का जो है इसकी कैपिटल वो साउथ आइलैंड में, एक स्टेटमेंट ये दे दिया, दूसरा कुछ और बना बना देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। साउथ आइलैंड में एक बहुत फेमस माउंटेन रेंज है जिसको सदर्न आल्प्स के नाम से जानते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सदर्न आल्प्स के नाम से। एक आल्प्स है जो फ्रांस
और स्विट्जरलैंड के पास में, यूरोप में। और ये दक्षिणी आल्प्स, ये न्यूजीलैंड की मेन माउंटेन रेंज है जो दक्षिणी आइलैंड में, सदर्न आइलैंड में है। इसके बाद में न्यूजीलैंड के बारे में देखो, एक न्यूजीलैंड में आइलैंड भी है इसके नीचे भी, सदर्न आइलैंड के पास में, जिसको स्टिवर्ट आइलैंड, स्टिवर्ट द्वीप के नाम से जानते हैं। ये भी अच्छा है, इसको भी मार्क कर लेना। न्यूजीलैंड के में पता है सबको कि लोकल इनहेबिटेंट जो है जनजाति, जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया में लिखा था, ऐसे यहां पर माओरी ट्राइब जो है, जो लोकल इनहेबिटेंट है, जो वहां के स्थानीय निवासी हैं, माओरी कहलाते हैं न्यूजीलैंड के। रग्बी इन लोगों का नेशनल गेम है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट था, रग्बी न्यूजीलैंड का गेम। और तो हमारा ऑस्ट्रेलिया में, सॉरी न्यूजीलैंड में कुछ ऐसा नहीं है। आपको बस दो आइलैंड याद रखने हैं, कुक स्ट्रेट याद रखनी है, सादर्न आल्प्स याद रखने हैं, बे ऑफ प्लेंटी हो गई। हाँ, एक वालकैनो भी है यहाँ पर, एक्टिव वालकैनो, अभी 2-3 साल पहले वालकैनो उसमें इरप्शन हुआ था, उसको व्हाइट माउंटेन के नाम से जानते हैं। इसमें बना हुआ नहीं है, कहीं पर लिख लेना तुम लोग, व्हाइट माउंटेन सदर्न रेंज में भी है, व्हाइट माउंटेन वालकैनो। 2017-18 में इरप्शन हुआ था, तब से वो काफी पूछा गया, व्हाइट माउंटेन वॉल्केनोज कहाँ पे। तो ये हमारा न्यूजीलैंड हो गए, फर्स्ट कॉन्टिनेंट हमारा हुआ, जिसको हम लोग ऑस्ट्रेलिया के नाम से पढ़ते हैं, और साथ साथ में हमने ओसिनिया, उसके आसपास वाला एरिया भी हमने कवर किया। इसके से ज्यादा आपको इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अपना यूरोप।